नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आज राजधानी रांची में आक्रोश मार्च निकाला गया और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। हम आपको बता दें कि आज जो आक्रोश मार्च निकाला गया, श्री पहाड़ी मंदिर भोले फौज की ओर से निकाला गया, राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर से लेकर अल्बर्ट टेक्का चौक तक निकाला गया। और इस आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे और बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर जो धार्मिक न्याय बोर्ड का जो फैसला लिया गया है, जो समिति है, उसका जबरदस्त विरोध किया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने आज सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज कराया है, इससे प्रतीत होता है कि हिंदू जो है हिंदूवादी संगठन में एक तरह का आक्रोश व्याप्त हो चुका है। आइए सुनाते हैं कि लोग जो है जो हिंदूवादी संगठन के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये जो राजनीतिकरण हो रहा है न्याय उसका विरोध कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनती है वो जनता की राय से बढ़े हैं और जो लोग आज मंदिर के सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं उनको इसमें सम्मिलित होना चाहिए। मंडल महानगर के द्वारा आज तक जो भी आप मंदिर पे दो दो बार हमला हुआ, ना प्रशासन आया, ना शहर का और कोई इनका कोई व्यक्ति आया न्याय बोर्ड का पूछने कि ये कांच भी वहाँ बनवाना है, खिड़की भी ठीक करवाना है कि नहीं। वो कार्य रांची महानगर मंडल द्वारा, महावीर मंडल द्वारा किया गया और जो लोग आज मंदिर की सेवा कर रहे हैं इतने दिनों से, उनको दरकिनार करके इस तरह से थोपना एक कमेटी को जिनका मंदिर से, मंदिर के निर्माण से, मंदिर के अस्तित्व से आज तक कोई वास्ता नहीं रहा, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। और ये निर्मोही अखाड़ा अयोध्या से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो हमारा जो संकट मोचन मंदिर है, तो न्याय बोर्ड से रजिस्ट्रेशन की उसके अंदर लाने का इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारा जो पहाड़ी मंदिर और जो समिति की और बदल बलिए संकट महारी मंदिर में सरकार से समिति का पुरजोर विरोध, यहाँ पर जो समिति चली आ रही थी, यहाँ पर लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है और हम का गठन नहीं मानते हैं, जिसको लेकर लोगों में सनातन धर्म को जो आस्था पहुंचाने का कार्य किया गया है। यहाँ पर न्यास बोर्ड के द्वारा अनंत आनंद में यह समिति बनाई गई है और आप कह सकते हैं समिति का और इस प्रकार के मंदिरों में जो एक शुरुआत है, आने वाले समय में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य मंदिरों में भी इस यह प्रयोग किया जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड पहले हो चुका था, धार्मिक न्यास बोर्ड का अधिकार है कि मंदिर का नियंत्रण रख सके, इसमें हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसिफिक जो इस बार मंदिर समिति का गठन किया गया, पहाड़ी मंदिरों का संकट मोचन भद्रकाली मंदिर, किसी राजनीतिक दल के लोगों को इसमें वजह से इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे संकट मोचन हनुमान मंदिर के जो अध्यक्ष है वो उनके पिताजी, एक व्यक्ति के पिताजी और उनका जो बेटा वो पहाड़ी मंदिर का उपाध्यक्ष है, तो परिवारवाद यहाँ पर मंदिर में भी और राजनीतिकरण मंदिर में भी, तो हम उसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध नहीं करते, धार्मिक न्यास बोर्ड समिति का गठन गठन किया कोई दिक्कत नहीं है, संवैधानिक संवैधानिक तौर पर सही है, लेकिन समिति का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये गठबंधन सरकार जो भी गठबंधन है, महत्तम गठबंधन, उनके यूनिट या कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, इनके लोग अपनी दुकान खोल लिए हैं पहाड़ी मंदिर में। इन्हें सनातन से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन आज ये पहाड़ी मंदिर और विभिन्न मंदिरों में अपनी राजनीति की दुकान खोलने आए हैं। ये बोलते हैं दुकान खोलिए मोहब्बत की दुकान, ये इनकी दुकान विभिन्न प्रकार की है। देखिए, मुंबई में जो बैठक हुई थी महागठबंधन का, उस बैठक में इन्होंने योजना पहल की कि हम निकल कर सनातन पर प्रहार करेंगे। अब इसका सीरीज देखो, ये सीरीज चल रहा है इनका सनातन पर। प्रारंभ से देखिए, दक्षिण बिहार से होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पटना में होता है और विभिन्न जगहों पर हो रहा है, तो सनातन पर प्रहार करना इनका एक है और किसी प्रकार का नहीं। और भारत की सनातनी इनको पहचान चुकी है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सड़क पर उतार के छोड़ेगी, इनको नहीं चलने देंगे। इस कमेटी, मंदिर में कमेटी क्यों,
मस्जिद में कमेटी क्यों नहीं, गुरुद्वारे में कमेटी क्यों नहीं, चर्च में कमेटी क्यों नहीं? और ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, हमारे हिंदुस्तान में राम और कृष्ण की धरती में ही राजनीति करने का है। उन्हें हिम्मत है तो दूसरी तरफ भी कमेटी बना कर दिखाए। हमारे सभी मंदिरों में अपनी कमेटी बनी है और सुचारू ढंग से चल रहा है। ये कहाँ सोए रहते हैं जब मंदिरों में दिक्कत आती है? मंदिर का आय क्या है, मंदिर में कैसे चल रहा है मंदिर, उसकी साफ सफाई की तरह देख रेख कैसे होता है, इसकी तो कभी उनके चिंता नहीं। आज यहाँ पर दुकानदारी करने आ गए हैं। जो भी लोग कमेटी आई है उन्हें सनातन से कोई लेना देना कभी नहीं है, तो हम उनको बंद कराते रहेंगे। ये आंदोलन का प्रथम चरण है, इसके बाद हमारा उग्र आंदोलन चलता रहेगा। साधु संत समाज के महामंत्री झारखंड प्रदेश स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। तो आज हिंदुवादी संगठनों ने जिस तरह से आज राजधानी रांची के सड़कों पर उतरकर विरोध किया और आक्रोश मार्च निकाला, इससे प्रतीत होता है कि हिंदू जो संगठन है उसमें जो आक्रोश है वो भर कर सामने आया है। क्योंकि जिस तरह से धार्मिक न्यास बोर्ड जो फैसला लिया गया है समिति ने, उसका पुरजोर विरोध वो कर रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मंदिरों को मंदिर रहने दे, मंदिर पर राजनीति बंद करे, अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार हूँ।